हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आज वन ऑफ द बिगेस्ट मलयालम मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, आर्यजीवितम। एक बहुत ही अवेटेड मूवी है, ऑलमोस्ट 10 साल के ऊपर लग चुके हैं जस्ट टू मेक दिस मूवी। द म्यूजिक इज गिवन बाय AR रहमान एंड पृथ्वीराज इज वन ऑफ द एक्टर्स इन द मूवी। द मूवी इज गोना बी रियली बिग बिकॉज द मूवी इज बेस्ड आउट ऑफ द नॉवल। इसको एक मलयालम नॉवल से कन्वर्ट किया गया हुआ था इंग्लिश वर्जन में, विच वॉज कॉल्ड एज द गोट लाइफ। द मूवी इज बेस्ड ऑन दैट नॉवल इटसेल्फ ओनली कम्प्लीटली। आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर हम ये जरूर देखेंगे कि वो नॉवल के बारे में थोड़ा सा क्रक्स आई विल गिव इट यू कि मूवी किस बेसिस पे होने वाली है। अगर अगर जिसको भी स्पॉयलर अलर्ट नहीं चाहिए तो दे कैन जस्ट वॉच टिल द रिएक्शन और उसके बाद आप नहीं देख सकते हैं फॉर अ रीजन, बिकॉज मैं काफी कुछ स्पॉयलर्स इस मूवी के ऊपर से जो है रियालिटी में क्या हो सकता है ये मूवी में वो सब मैं थोड़ा कवर करूंगा। आर्यजीवितम इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। इट इज बेस्ड ऑन अ सर्वाइवल ऑफ अ मैन फ्रॉम इंडिया, हाउ ही हैज सर्वाइव्ड फॉर सो मेनी ईयर्स एंड फाइनली ही वॉज सेट फ्री। ओके, सो आर्यजीवितम द मूवी ट्रेलर देखने से पहले ही मुझे थोड़े गूज बम्स आ रहे हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द ट्रेलर नाउ। व्हाट साउंड इफेक्ट्स एट द बिगिनिंग। ना जा सके से कोई बात से। Wow, what visuals, man. Too good. What a music. Andar se koi bahar na ja sake. My God. What a trailer, man. What a trailer. My God, I'm speechless right now. Anyways, let me just remove this. So I feel this wasn't just a trailer. Agar aapne ye trailer properly dekha aur use samjha, this is how, you know, I would say that the top notch talent hota hai. That's it. It represented basically the way the actor Prithviraj, he is performing, the way the sound, the music is coming in of A.R. Rahman, the way that entire atmosphere and jo location hai, everything is very mesmerizing. It feels as if wo 15, 30 seconds ya 1 minute ke liye you feel ke you're living in that moment. So it wasn't just a trailer. It was a representation of a great performance. Ye, I feel, probably kuch dhamal zarur machayegi. It will be one of the big movies probably. And it's going to be a really big hit. जिस किसी को भी ये मूवी के स्टोरी के बारे में या थोड़ा क्रक्स के बारे में नहीं जानना है, दे कैन जस्ट स्किप और अदरवाइज आई वुड से दैट कम्प्लीटली दे कैन जस्ट मूव आउट ऑफ द वीडियो, बिकॉज आप कंटिन्यू तभी करना जब भी आपको यू आर रेडी फॉर दिस एंटायर लिटिल बिट ऑफ स्टोरी। अगर आपको नहीं जानना है एंड यू वांट टू जस्ट डायरेक्टली सी द मूवी, देन ऑब्वियसली अलविदा यहीं से। और अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर द अबाउट द मूवी एंड यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद माई वीडियो। सो आर्यजीवितम इज बेसिकली अ मलयालम नॉवल जिसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था और उसका इंग्लिश वर्जन का नाम था द गोट लाइफ। इसे और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया हुआ है, विच इज नेपाली, उड़िया, इवन थाईलैंड के कुछ भाषाओं में एंड अरबिक में भी। ये इतनी सक्सेसफुल नॉवल है कि इट्स बिकॉज इट्स अ ट्रू यू नो इवेंट, इट्स अ ट्रू स्टोरी,
वंस यू रीड द एंटायर नॉवल आप बहुत ही टची हो जाएंगे एंड यू विल फील दैट एंटायर पेन ऑफ द मेन हीरो. सो मेन हीरो के नाम सो मेन हीरो का नाम है नाजीब मोहम्मद. उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम है, वो चेंज होते रहते हैं, इट कैन ऑल्सो बी हकीम या हमीद. ये स्टोरी चार भाग में डिवाइडेड है. चार भाग इसलिए हैं, आपको स्लोली स्टडीली जैसे ही मैं स्टोरी के बारे में बताना शुरू करूंगा यू विल गेट द आइडिया कि व्हाई एम आई सेइंग इट्स डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. तो शुरुआत करते हैं नाजीब से. नाजीब की एक हिस्ट्री है. नाजीब इज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली एंड ही इज फ्रॉम इंडिया. ही इज अ मलयाली एंड प्रॉब्लम इज के ही इज नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, ही इज फ्रॉम अ वेरी वेरी पुअर फैमिली. सिचुएशन उसकी इतनी खराब है कि ही इज नॉट एबल टू लिव हिज लाइफ कंफर्टेबली. शादीशुदा भी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कई हैं उसके हाथ में. अब सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि उसके जैसे और मेरे जैसे और हमारे सभी जैसे जो एक सोचते हैं कि इंडिया छोड़ के हमें जाना चाहिए बाहर की कंट्री में और पैसा कमा के हम अपनी शायद लाइफ सुधार सकते हैं. सो नाजीब भी वही सोचता है कि प्रॉबेबली मुझे भी इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहिए है एंड ही शुड मेक सम मनी एंड देन यू नो ऑब्वियसली सेटल हिज लाइफ. बट ऑब्वियसली नाजीब के पास उतना भी पैसा नहीं था कि वो वीजा लगा सके और उसके बाद ऑफिशियली ही कैन जस्ट गो टू एनी कंट्री ऑफ व्हाटएवर ही वांट्स टू चूज. बट आई विल लेट यू नो कि वो कौन सी कंट्री जाता है. सो नाजीब बेसिकली अनऑफिशियली जिसे हम कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट बन के मिडिल ईस्ट पहुंचता है. मिडिल ईस्ट पहुंचने के बाद उसके साथ में एक सिचुएशन हो जाती है. इंसिडेंट बेसिकली ये हो जाता है कि ही गेट्स बेसिकली किडनैप्ड. वहां से वो अबडक्ट होके ही कम्स टू अ सिचुएशन के ही बिकम्स अ स्लेव. अब आप सोचेंगे कि ये अचानक से ऐसा क्यों सिचुएशन हो गया या क्या हो गया है. अब क्या हो जाता है बेसिकली जब ये इंडिया से मिडिल ईस्ट पहुंचता है वो अपना घर अपनी वाइफ की ज्वेलरी सब कुछ गिरवी रख के ही फाइनली मेक्स के किसी भी हालत से मुझे सिर्फ मिडिल ईस्ट तक पहुंचना है कहीं ना कहीं काम करके मैंने कुछ पैसे जमा करके ही वॉन्ट्स टू कम बैक. बट बदनसीबी कहते हैं ना कि वहां तक भी उसका साथ दे देती है, वो उसका पीछा तभी भी नहीं छोड़ती है. बिकॉज इलीगल इमिग्रेंट है लॉट ऑफ पीपल kind of take advantages also. So, वो एक ऐसे situation में फंस जाता है, एक location है जहाँ पे एक slavery का master है, वो उसे kidnap कर लेता है, वो उसके साथी को भी जिसका नाम है हमिद या हकीम उसको भी kidnap कर लेता है. kidnap करने के बाद उन दोनों को slave बना देता है. अब वहां से शुरू होती है कहानी चार step की. फर्स्ट इज मूवी शुरुआत होती है थोड़े से ग्लिम्स की विच इज द प्रिजन. प्रिजन में आप ऐसे सिचुएशन देखेंगे कि एक छोटे से कमरे में सभी इंडियंस है, मोस्ट ऑफ देम आर मलयालीज एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम अदर कास्ट टू, बट इन द एंड वो सभी इंडियंस एक ही छोटे से कमरे में 200 से 250 जन पैक होके बैठे हुए हैं एंड द सिचुएशन लुक्स वेरी वर्स्ट के ऐसा लग रहा है कि उन्हें खाना पीना या उनका रहन सहन भी इतना बदतर होगा कि आप अपने दुश्मन तक को भी नहीं चाहोगे कि वो ऐसे सिचुएशन में रहे. सो दूसरा भाग शुरू हो जाता है विच इज द डिजर्ट पार्ट. डेजर्ट ओके. सो दूसरा भाग डेजर्ट पार्ट शुरू हो जाता है जब नजीब और उसका जो दोस्त होता है हमिद दोनों किडनैप हो जाते हैं बेसिकली स्लेवरी के लिए. एंड वहां का एक लोकल अरब होता है हु इज बेसिकली हु किडनैप्स बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स और उनसे यू नो बोलते ना फ्री का लेबर ऑब्वियसली क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको मार के कहीं दफना भी दूं किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है. सो ऑब्वियसली नजीब और हमिद ये बात जानते हैं. वो जिस सिचुएशन में आ जाते हैं दे ऑल्सो नो के यार ना वो लीगल वे जा सकते हैं ना इसको मना कर सकते हैं. अगर मना कर दिया बाय चांस ऐसा हो जाए कि अगर इसे मार दिया तो यू नेवर नो के मींस जो एक ड्रीम लेके आया था कि वो कुछ बनना चाहता है कमाना चाहता है और ही वांट्स टू सेटल हिज लाइफ ही विल नॉट बी एबल टू डू इट. सो ऑब्वियसली उसके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं होता है. दैट इज द रीजन वो एक्सेप्ट भी कर लेता है टू बिकम अ स्लेव ऑफ दैट अरब. अब काम उसे जो अरब देता है वो है बकरियां चलाने का. बेसिकली ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज गोट्स कैमल, उनको चराना उनको यहां वहां लेके जाना. सो ये उसका काम हो जाता है. अब अरब का ये कंडीशन भी है एक किसी भी हालत से एक दूसरे से क्या किसी से भी इंसानों से बात ही ना करे. उनकी पूरी जिंदगी या उसे रहने को भी वही जगह देता है जहां वो बकरियां सोती हैं जहां वो कैमल्स होते हैं. सो वही सिचुएशन इमेजिन आप दिन रात सिर्फ आप अपने मीन्स आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ या आप अपने आप को भी भूलना शुरू कर देते हो बिकॉज आपका सिचुएशन ऐसा हो गया हुआ है कि आपको पता है कि आप एक दूसरे के गुलाम हो और आपको सिर्फ वही एक काम दिया गया है ना किसी से बात करना है ना किसी से मिलना है और सहूलियत भी इतनी नहीं थी. सो दैट इज द रीजन वो
आस्ते आस्ते उसका जो दिमाग है वो उन गोट्स को अपनी फैमिली मान चुका है और अपने अपना ही एक हिस्सा मान के ही इज लिविंग हिज लाइफ नाउ. उसे ये समझ नहीं आती है कि शायद कितने दिन या साल हो गए हैं. ही इज फॉरगॉटन दैट टू. अब उसका सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि ही इज अ मैन विद नो होप्स एट ऑल. यहाँ तक कि हामिद का भी ऐसे ही सिचुएशन हो जाता है कि दोनों को खाना क्या, पानी क्या, कपड़े तक भी, नहाने तक को भी पानी नहीं, नथिंग एट ऑल. सो दे आर लिविंग इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन. जब एक इंसान कंप्लीटली टूट चुका है एंड उसका सिचुएशन एक जानवर से भी बदतर हो जाए, तो इमेजिन उस पर क्या बीती होगी. उसके लिए वो जानवर ही अभी उसकी फैमिली बन चुकी है. तो वर्स्ट पार्ट ये भी हो जाता है कि जीने के लिए उसके लिए कोई मकसद ही नहीं है. स्लोली स्लोली आप अपने आप को भी भूलने लग जाते हो. दैट्स वाई अगर आप वो ट्रेलर को देखें, देयर इज अ सॉन्ग व्हिच ही कीप्स यू नो सेइंग के अंदर से कोई बाहर ना आ सके, के अंदर से कोई बाहर ना आ सके. बेसिकली ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिमसेल्फ ऑल्सो के मैं ऐसे सिचुएशन में फंस गया हूं कि मैं यहां से कभी भाग नहीं सकता हूं. अगर भागा तो अरब जो उसका स्लेव मास्टर है वो उसे मार देगा, और उसकी जो ड्रीम है या तो उसको ही वॉन्ट्स टू बेसिकली सेटल हिमसेल्फ, वो सब नहीं हो पाएंगे. दैट इज द रीजन अ पर्सन हु इज कम्प्लीटली गिवन अप, ही इज एक्सेप्टेड द लाइफ विच ही इज गॉट राइट नाउ, ही इज इन द मर्सी ऑफ दैट अरब. यहाँ पे शुरू होता है तीसरा भाग विच इज एस्केप. हामिद और नाजिब ऐसे सिचुएशन में है कि उन्हें पता है कि कभी भी भले इधर रहेंगे या इधर से भागेंगे तो भी मरना है. फाइनली कैसे ना कैसे करके नाजिब और हामिद डिसाइड करते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, ऐसी जिंदगी जीने से कम भाग जाना और मर जाना. तो वो एक अपने आप को एक ऑप्शन दे देते हैं कि चलो ठीक है, यहां से मैं भागने की कोशिश करता हूं, शायद सक्सेसफुल हो जाऊं. नाजिब अल्लाह में बहुत विश्वास करता है और वो उसका नाम लेके वहां से भागने की तैयारी करते हैं. उन्हें क्या पता था कि वो अरब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है. अरब भी उनका पीछा बहुत करता है, यहां तक कि उन दोनों को मारने के लिए तैयार हो जाता है. इमेजिन योर सेल्फ इन इन अ कंप्लीटली डिजर्ट एरिया, डिजर्टेड एरिया, जहां पे आपको कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. अगर आप इवन द ट्रेलर इफ यू नोटिस, देयर इज अ सैंडस्टॉर्म व्हिच इज कमिंग. सो डिजर्ट में सर्वाइव करना इज नॉट एन ईजी टास्क. और जबकि हामिद और नाजिम ये चीज के लिए तो प्रिपेयर भी नहीं थे. उन्होंने सिर्फ ये ठाना था कि हम उन्हें सिर्फ भागना है. उन्हें ये नहीं पता था कि वहां पे भागते वक्त भी उनको कितनी दिक्कत होने वाली है. उनको यही नहीं पता था भागना किस तरफ है, क्योंकि चारों तरफ सेम ही चीजें दिख रही हैं, सिर्फ रेती और रेती और सिर्फ रेती. बट इतना जरूर पता है अरब उनका पीछा कर रहा है लिटरली बंदूक के साथ में. ही वॉन्ट्स टू लिटरली किल देम. मार दिया उसके बाद क्या पता कहाँ वो दफन है, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है. और वैसे भी इलीगल इमिग्रेंट्स है जिनके बारे में तो कुछ अता पता भी नहीं होने वाला है. सो ये दोनों बात जानते थे कि किसी भी हालत से अगर हम पकड़े गए मारे जाएंगे, और अगर भाग गए तो भी शायद वही एक सिचुएशन हो सकता है. बट उनके लिए वो था कि इधर मरने से कम वो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर भाग गए तो कोई एक चांस हो सकता है कि अल्लाह उन्हें एक चांस दे दे और उसके बाद वो शायद सर्वाइव कर दे. बट एस्केप भी इतना इजी नहीं था. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इन द सैंड, एंड कैसे ना तैसे करके आई वुड से दैट दे सर्वाइव. नाजिब आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड लॉट ऑफ पेन कैसे तैसे तो करके वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है. ही फील्स के देयर इज सम लाइट ऑफ होप. वो अल्लाह को भी प्रे करता है. ही सेज के देयर इज चांसेस के शायद वो अब दोनों बच जाएंगे, और ही फील्स के कहीं ना कहीं प्रॉबेबली अल्लाह भी है जो उन्हें पनिश कर रहा था. बट इमेजिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते भी हैं, यहां तक कि कोई भी पुलिस वाला उसे देखता तक भी नहीं है. नॉर्मली क्या होता है, इलीगल इमिग्रेंट्स को वो धर देते हैं, पासवर्ड पूछते हैं, कोई ना कोई डिटेल्स पूछते हैं, लेटर पूछते हैं. पर वो कई समय तक, जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले भी वो एक कोई मॉस्क के वहां भी जाते हैं, मॉस्क में जो लोग बाहर होते हैं पुलिस वाले खास करके उनको पूछते हैं उनके डिटेल्स के बारे में. वो जानबूझ के प्रे भी नहीं करता फॉर अ रीजन, बिकॉज कि ताकि वो पकड़ा जाए. इमेजिन कई दिनों तक तो वो करते हैं ऐसे, बहुत मॉस्क के सामने जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, बट नोबडी मीन्स कोई उन्हें उन पे ध्यान ही नहीं देता है. यहां तक कि एक ऐसा सिचुएशन भी होता है कि नाजिब गलती से एक पुलिस वाले के पैर पे ठोकर मार के
हल्का सा गिरने वाला होता है। वो पुलिस वाला उसे सॉरी कह के कम से कम उसे कहता है कि आई होप आप ठीक हैं, और उसके बाद उसको जाने के लिए कहता है। तो नाजिब थोड़ा शॉक हो जाता है कि अब एक ऐसा सिचुएशन है कि वो अपने आप को, विच इज द फोर्थ पार्ट विच इज कॉल्ड एज द रेफ्यूजी, वो अपने आप को पकड़वाना चाहता है कि मैं एक इलीगल इमिग्रेंट हूं, बट यहां पे भी अल्लाह उसका साथ नहीं दे रहा है। सो ही फील्स कि समवेयर डाउन द लाइन प्रॉबेबली अल्लाह भी उसे पनिश कर रहा है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो एक पुलिस वाले से बात तक नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वो बेचारा मुंडी नीचे करके ही सर झुका के बस वो एक चाहता है कि कोई उसे कुछ बात कर ले और वो कुछ बोलना शुरू करे उसके बाद। अब प्रॉब्लम ये भी है कि अरब लोग की जो लैंग्वेज है एंड नाजिब की जो लैंग्वेज है, नाजिब अंडरस्टैंड मलयालम, उसे थोड़ी ही अरबिक आती है, ज्यादा नहीं, बट इतना जरूर पता है कि उसे कम से कम ये जरूर कहना है कि वो एक इलीगल इमिग्रेंट है और ही वॉन्ट्स टू एंटर द रेफ्यूजी कैंप। सो सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि एक एक पुलिस वाला उस पर कम से कम देख लेता है। देखने के बाद वो उसके पास जाता है, कुछ बातें करता है, तो ही अंडरस्टैंड के ही इज अ इलीगल इमिग्रेंट। उसे वो वहां से लेके एक रूम में लेके जाता है। रूम में जैसे ही लेके जाता है, नाजीब चार फोटो देखता है। चार फोटो में से एक फोटो वही अरब स्लेव वाले का होता है जहां पे ये दोनों बंदी थे। वो फोटो की तरफ जाता है और वो होता है ना कि इसे मैंने देखा है। पुलिस वाला भी उसे देख के कहता है कि तुम इसको जानते हो। हाँ कहने के बदले नाजिब डर के वजह से प्रॉब्लली ना कह देता है। पुलिस वाला से लाफा भी मारता है, एक बार मारता है और कहता है कि अगर तुम इसे जानते नहीं तो इस फोटो के नजदीक गए क्यों। पर क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर था, बट इतना तो समझ गया था कि वो क्या बोल रहा है और मैं क्या समझ रहा हूं, ये दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बैठ गई थी। बट इन दी एंड नाजिब कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। फाइनली एक और एक लाफा पुलिस वाला मारता है और उन दोनों को डिटेन करता है। और उसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में भाग कहा था, विच इज द प्रिजन लाइक, उसे एक प्रिजन में लेके जाते हैं और वहां पे डिटेन कर देते हैं इंडियंस के साथ में, क्योंकि वो भी एक इंडियन है। तो प्रिजन में जब नाजिब देखता है कि वहां पे इंडियंस के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और फिलिपिनोज और अदर कंट्रीज के भी लोग हैं, बट इतना जरूर है कि सभी को अलग अलग सेल में डाला हुआ है। अब सिचुएशन ऐसा था कि उसे ये जरूर पता था कि जिस सिचुएशन में वो था, जहां पे उसके पास तो कम से कम ह्यूमन कॉन्टैक्ट भी नहीं था, यहाँ तो कम से कम इतना है कि कई इंडियंस है जो मलयालम में भी बात कर रहे हैं, ही कुड हियर सम ऑफ देम एंड ही अंडरस्टूड एटलीस्ट मैं सेफ तो हूं कि इस कैंप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बट अपने लोग तो हैं। नाजिब फिर ऐसे सिचुएशन में आ जाता है फाइनली कि अगले दिन सुबह होती है, चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है। नाजिम इतने में खुश हो जाता है, वो इतना रोने लग जाता है कि फॉर हिम ही स्टार्ट्स कंपेयरिंग के मेरे को आज तक एक प्रिजन में कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतना खुश रहूंगा। द वे वो एक स्लेव रहता है और द वे ही इज लिविंग इन अ प्रिजन, वो उस लाइफ को अपनी इस लाइफ से कंपेयर करता है एंड ही वाज सो हैप्पी कि एटलीस्ट मुझे यहाँ पे खाना, मुझे यहाँ पे लोग जो अपने हैं जिनके साथ मैं बात कर सकता हूँ। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बहुत लोग उससे डरते भी हैं क्योंकि ये बहुत कम बात करता है। इट इज नॉट बिकॉज वो कम बात करना चाहता है, बिकॉज ही इज बिकम लिटिल बिट हैबिचुअल टू टॉक लेस फॉर अ रीजन, बिकॉज आप खुद सोचिए एक इंसान का सिचुएशन क्या होगा जब कोई इंसान सालों साल उसके सामने ही नहीं और भेड़ बकरियां ही हैं, कैमल्स ही हैं जिनके साथ में वो बात कर सकता है। सो ही विल नॉट बी इन हिज सेंसेस एट ऑल। नाजिब को टाइम लगता है बट कहीं ना कहीं वो एक आस्ते आस्ते सेटल डाउन होने लग जाता है एंड ही होप्स एक दिन प्रॉबली इंडियन एम्बेसी, क्योंकि ही सीज के लॉट ऑफ प्रिजन में से लोग आते जाते रहते थे, वो ये एक सिर्फ एक होप में है कि किसी ना किसी दिन शायद उसका भी नंबर आएगा। सो क्या नाजिब जेल से छूटता है या नहीं, ये तो आप मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सो दैट वॉज आरुजीवितम गाइस। आई होप आप लोगों को ये मेरा थोड़ा सा जो स्टोरी और क्रक्स जो मैंने आप लोगों को बताया है, आई हैवन्ट गॉट इनटू टू मच ऑफ डिटेलिंग बिकॉज मैं वो मूवी का मजा नहीं खराब करना चाहता आप लोगों के लिए। बट इन दी एंड आप लोगों को ये मूवी किस बेसिस पे है ये आपको एक समझ आ गई है। बट आई होप आप लोगों को ये मेरा ट्रेलर रिएक्शन और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द मूवी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेलर। चीयर्स, बाय।